हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यशोदा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चावल का ढोकला। तो फ्रेंड्स, बेसन का तो सबने खाया होगा, एक बार चावल का भी बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। ये बिल्कुल बाजार जैसा ढोकला लगेगा आपको। तो मैंने ये लिए हैं चावल, तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं। तो मैंने ये चावल, जितने चावल लिए हैं उसकी आधी मैंने दाल ली है और मैंने दाल ली है चने की। तो आपको चने की दाल लेनी है, आधी दाल लेनी है, चावल के मुकाबले आपको आधी दाल लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको धोऊंगी, मतलब भिगोऊंगी नहीं, मैं इसको धो के सीधा पीस लूँगी मिक्सी में। और हमें इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या इनो बिल्कुल नहीं डाल रहे। हम इसमें डालेंगे लिक्विड सोडा और इससे ही बहुत अच्छा फूलेगा, बहुत अच्छा बनेगा ढोकला इससे। तो हमें इससे ही पीसना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो हमें इसे पीसते वक्त नमक वगैरह कुछ नहीं डालना, सीधा सादा इन दाल को और चावल को धो के पीस लेना है। तो मैंने ये पीस लिया है फ्रेंड्स सीधा, मतलब वो डाल के लिक्विड सोडे को डाल के मैंने पीस लिया था इसको, पानी का इस्तेमाल नहीं करा है बिल्कुल भी। तो इस तरीके का पेस्ट बनाना है आपको, बिल्कुल बारीक पेस्ट करना है, मोटा मोटा नहीं करना है। अगर आप मोटा करोगे तो ये टूटेगा ढोकला बहुत ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल बारीक बना लेना है। जैसे हमारी दरदरी जो बारीक वाली सूजी होती है, इस टाइप का भी हमें बनाना है ये। तो फ्रेंड्स, अब मैंने थोड़ा सा, मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैंने और डाल दिया है इसमें लिक्विड सोडा। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी पहले, उसके बाद हमें इसको ढक के रख देना है रात भर के लिए। अगर आप इसको मतलब रात को बनाओगे तो आपको सवेरे भिगो के रखना है, और अगर आप सुबह बनाओगे तो इसको रात को ही इस तरीके से भिगो के रख दीजिए, मतलब पीस के और भिगो के रख दीजिए, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। आपको इसमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, या इनो सोडे में तो आपको पता है डालने से कितनी स्मेल आती है, तो वो तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सोडा। मैं इनो का इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन मैं ढोकले में इसमें आपको बिना इनो के भी बना के दिखा रही हूँ ये। और देखना, ये बहुत अच्छा बनेगा, अच्छे से फूलेगा। तो अब मैं इसको रख देती हूँ पूरी रात के लिए, ढक के रख देती हूँ ताकि ये हमारा अच्छे से काम कर सके लिक्विड सोडा, और ये फूल सके अच्छे से, और थोड़ा सा खट्टापन भी आना चाहिए इसमें। तो खट्टेपन, जैसे हम अगर सूंघेंगे इसको तो इसमें थोड़ी सी खट्टेपन की स्मेल आनी चाहिए। तो मैंने पूरी रात के लिए रेस्ट करने के लिए इसको रख दिया था, तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये अपना अच्छे से फूल चुका है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको दिख भी रहा होगा ये फूल गया है पूरी रात रखने से। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक सबसे पहले। तो पहले मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं करा था, तो इसको गलाने के लिए रखेंगे इस तरीके से पूरी रात के लिए, तो ये ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फूल जाएगा ये नमक के साथ। तो नमक डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार, और मैंने चीनी भी डाल दी, तो ढोकला तो खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। तो अब मैंने डाल दिया है, चीनी भी डाल दी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, तो ये रिफाइंड ऑयल है, ये मैंने एक चम्मच के, दो चम्मच के आसपास रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड से क्या होता है कि हमारा ढोकला बहुत सॉफ्ट बनता है, टाइट नहीं होता। और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है कलर के लिए, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं बिना हल्दी के, तो मैं थोड़ा सा पीला पन आ जाए इसमें, तो इसलिए हल्दी डाल दी मैंने इसमें। अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, मैंने इसमें चीनी और नमक और ऑयल और हल्दी डाली है, चार चीज़ों के अलावा मैंने अभी इसमें कुछ नहीं डाला है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कितना पतला करना है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो आपको इतना पतला करना है बस, ये से ज़्यादा पतला नहीं करना, और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। और अभी नमक डालने के बाद ये और अपना काम करेगा नमक, और फूलेगा ये। तो जैसे मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा और फूल जाएगा ये 5-10 मिनट में। तो जब तक के मैं अब इसमें और चीज़ें दिखाती हूँ क्या क्या डालनी है हमें। तो मैं धनिया भी इसमें डालूंगी, धनिया जब मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ढोकले में ही धनिया डालूंगी, ऊपर छौंक में नहीं। और मैंने एक हरी मिर्च काट ली है बारीक बारीक, और दो हरी मिर्च मैंने बड़ी बड़ी काट ली है, मतलब लंबी छौंक के लिए बाद में जब तड़का लगाते हैं। मैंने एक नींबू ले लिया है, थोड़ा सा मैंने अदरक को भी कद्दूकस कर लिया था, तो मैंने अदरक को कद्दूकस करा है, सॉरी बारीक बारीक करा है, बिल्कुल मोटा मोटा नहीं करना हमें। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी धनिया, हरा धनिया, और हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है इसमें, और इसी में मैं डाल दूंगी अब अदरक जो मैंने कद्दूकस करा है, और मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ लूंगी ताकि थोड़ा सा और खट्टापन आ जाए इसमें। तो मैंने निचोड़ लिया है नींबू, तो हम आधा नींबू बाद में डालेंगे जब मैं तड़के के लिए हम तैयार करेंगे, तो तड़के में डालेंगे थोड़ा सा नींबू हम। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसको मिक्स करने के बाद हमें पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम इसमें नमक वगैरह डालें तो हमें दूसरी साइड बर्तन भी तैयार करने के लिए रख देना है पानी का जो हम जिसमें ढोकला बनाएंगे, तो वो पानी का बर्तन हमें पहले ही रख देना है गैस पे ढक के, ताकि उसमें अच्छे से भाप बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छे से फूल गया है, नमक डाल के और ज़्यादा अच्छे से फूला है ये। तो अब मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी, तो पहले हमें बर्तन का, जो जिस बर्तन में इसको डालना है उसे तैयार करना है। तो हमें इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाना है, तो इसमें अच्छे से हमें रिफाइंड ऑयल लगा लेना है। तो मैंने ये पूरा बर्तन अच्छे से इसमें लगा लिया है रिफाइंड, ताकि हमारा ढोकला बिल्कुल चिपके ना बाद में, क्योंकि हाँ अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो ये चिपक जाएगा और निकालते वक्त टूट जाएगा। तो अब मैंने डाल दिया है इसमें ढोकले का बैटर, तो इसको मैं पूरा डाल लूँगी, उसके बाद हमें थोड़ा सा थपथपाना है ये।
ताकि अच्छी इसमें कोई बबल्स वगैरह ना बने और अच्छे से बैठ जाए नीचे। तो अब मैं दूसरी साइड में मैंने बर्तन अच्छे रख दिया था और उसमें भाप बन चुकी है, तो ये बहुत अच्छे से गर्म है पानी। हमें गर्म पानी में इसको खोलते हुए पानी में मतलब अच्छे से भाप बन जाए, बर्तन गर्म हो जाए, उसके बाद ही इसे रखना है, ठंडे में नहीं रखना। और अब मैं इसको कम से कम 20 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, सिर्फ 20 मिनट के लिए, आपको ज़्यादा नहीं, 20 मिनट के लिए रखना है ढक के, उसके बाद ही आपको खोल के देखना है। अगर ये 20 मिनट में तैयार हो जाता है तो ठीक है, वरना और थोड़ा सा भारी बर्तन भी आप रख सकते हैं, कुछ भारी सा, जैसे इसमें से भाप ना निकले और जल्दी पक जाए। तो मैंने इस पर भारी सा बर्तन रख दिया था, तो हमें हो गया है लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ढोकला हमारा फूल गया है और लग रहा है कि पक गया है, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक चाकू की मदद से। तो हमें चक्कू से देखना है पहले डाल के, अगर इस चक्कू में आ गया वापस गीला बैटर तो अभी नहीं पका, और अगर सूखा सूखा चक्कू निकला तो समझ लीजिए पक गया है ये। तो पहले मैं इसको धीरे से डाल के देख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, चक्कू में बिल्कुल नहीं आया, हल्का फुल्का सा आया है, लेकिन ये लगभग पक चुका है, लेकिन हल्का सा मुझे बीच में से गीला लग रहा है, मतलब साइडों का तो पक गया है लेकिन बीच में से लग रहा है मुझे गीला है जैसे। तो इसीलिए मैं अभी इसको 5 मिनट के लिए और रखूँगी, वैसे ही पक गया है, मुझे लग रहा है पक गया है बिल्कुल, तो फिर भी मैं 5 मिनट के लिए इसे और रख देती हूँ। तो कम से कम इसको 25 मिनट लगे थे पकने में, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए और रखती हूँ, और उसके बाद जब 5 मिनट हो जाएँ तो हमें इसको बंद कर देना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक कर लेती हूँ 5 मिनट बाद। तो हमें इसको, सॉरी फ्रेंड, मैंने आपको बताना भूल गई, हमें इसको मीडियम गैस पे ही रखना है, मतलब मीडियम, बिल्कुल मीडियम नहीं करनी, बीच के फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल कम भी नहीं करना, तेज़ भी नहीं करना। और ये हमारा ढोकला बिल्कुल तैयार है बनके। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं आया चाकू में, और हमारा बीच का जो पानी था, मुझे लग रहा था जैसे गीला गीला है बीच में से, तो वो भी सूख गया है, क्योंकि जब हम ढक के रखते हैं इसको तो भाप जो गिरती है प्लेट से नीचे तो वो इस ढोकले पे आती है, तो हल्का सा बीच में से गीला हो जाता है। तो इसलिए आपको इसको छोड़ देना है अभी ऐसे ही, सीधा नहीं निकालना, अगर आप सीधा निकाल दोगे गरम गरम तो ये टूट जाएगा। तो अब मैं इसकी पहले साइडें काट लेती हूँ ताकि हमारा ढोकला निकलते वक्त टूटे ना। तो मैं धीरे धीरे से इसकी साइडें निकाल दूँगी इस तरीके से, और हमने ढोकले को निकाल लिया है मैंने एक प्लेट में, और मैंने अब तड़के का मतलब तैयारी करती हूँ। तो मैंने डाल दिए इसमें सरसों डाली है मैंने थोड़ी सी, आधा चम्मच के आसपास सरसों डाली है, और मैंने इसमें जो हरी मिर्च काटी थी वो भी डाल दी है, और मैंने गैस ऑफ कर दी थी क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, तो हम पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितना स्पॉन्जी चाहिए कितना नहीं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैंने पानी ले लिया था कम से कम आधे से थोड़ा सा कम था गिलास, तो मैंने अब चीनी भी डाल ली इसमें, और मैंने इसमें नींबू भी निचोड़ लिया था फ्रेंड्स, इसमें आपको नींबू आप चाहें तो निचोड़ सकते हैं, वैसे बैटर रात भर रखने से खट्टा हो जाता है थोड़ा बहुत, और मैंने आधा नींबू भी निचोड़ दिया था उसमें। जब तक पानी खोले ना, हमें इसी तरीके से रखना है इस पर। तो पानी हमारा खोल एक खोल उबाल आ चुका है पानी में, और अब मैं इसको कर लेती हूँ कटिंग। तो मैंने बड़ा बड़ा काटा है, छोटा छोटा नहीं काटा है फ्रेंड। तो अब मैं जो मैंने तैयार करा था तो हम इसको डाल देंगे इसके ऊपर, इससे क्या होता है हमारा जो ढोकला है एकदम स्पॉन्जी बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, और हमारा ढोकला बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो और ये खाने में फ्रेंड्स, ये जो हम बेसन का खाते हैं उससे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा चावल का ढोकला बना के। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बनाते पीसते वक्त बहुत बारीक करना है, और चावलों को भिगोना नहीं है, ऐसे ही पीसना है, उसके बाद आपको भिगोना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ढोकला बनके तैयार है। अगर मेरी ढोकले की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।